हे गाइस, गुड नाइट एवरीवन। आप सोच रहे होंगे भाई अभी रात को गुड नाइट, पर इट्स लाइक 1 o'clock इन दी नाइट एंड वी आर गोइंग टू पुणे। एंड वाइल रिटर्निंग बैक फ्रॉम पुणे वी विल बी गोइंग टू लोनावला एंड मुंबई। तो देयर आर टू फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग मी टू पुणे एंड आई एम वेटिंग फॉर देम। वो लोग अभी रास्ते में हैं एंड दे विल बी रीचिंग हियर एट अराउंड 2 o'clock। वी विल बी लीविंग हियर फ्रॉम 2 o'clock और बहुत मज़ा आने वाली है, बिकॉज जब रिटर्न में हम लोग लोनावला जाएंगे तो भाई मानसून की सीज़न में लोनावला रियली रॉक्स। तो ये व्लॉग आप ज़रूर देख के जाना। नए सब्सक्राइबर भाई सब्सक्राइब करके जाना, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स है भाई वीडियो को शेयर करना और फैमिली और फ्रेंड्स और सब में शेयर कर देना। और ये व्लॉग बहुत मज़ा आने वाली है। दिस विल बी अ 2 day ट्रिप। विल बी रिटर्निंग बैक ऑन टुडे इज ट्यूजडे, राइट? ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे विल बी रिटर्निंग बैक ऑन थर्सडे। तो प्लीज़ ये व्लॉग आप ज़रूर देख के जाना। आई जस्ट कैच यू बैक ऑन द रोड। तो गाइज हम लोग फिलहाल अभी पहुँचे हैं चारोड़ी, चारोटी, इट्स लाइक चारोटी। और यहाँ से मुंबई अभी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स। हम लोग पूरा मुंबई अंदर तो नहीं जाएंगे, हम लोग फाउंटेन तक जाएंगे और फाउंटेन के बाद हम लोग जाएंगे थाने साइड, थाने से हम लोग लोनावला, लोनावला से पूना। तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, पर नींद काफ़ी आ रही थी तो एक चाय की चुस्की लगाना ज़रूरी था। और कहीं भी बारिश हमें बीच में नहीं दिखी है तो वो एक अच्छा रहा हमारे लिए, बिकॉज हम लोग ज़्यादा कवर कर पाए फटाफट। लेट्स सी, अगर मतलब आगे जाएंगे लोनावला, वहाँ घाट बहुत सारे हैं और वहाँ ज़्यादातर बारिश होती है, होप सो वहाँ भी बारिश ना। और अभी तकरीबन 5 बजे हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग थाने फटाफट क्रॉस कर लें उजाला होने से पहले, बिकॉज उसके बाद ट्रैफिक बहुत जाम होता है वहाँ। तो फटाफट थाने क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद शांति होगी। और आज हमारे साथ दो दोस्त भी आए हैं, पर मैं आपको उनके साथ थोड़ी देर के बाद मिलवाऊँगा, बिकॉज वो लोग चाय पीने में अंदर बिजी है और वहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी देर में उनसे मिलवाता हूँ। तो वी आर हाफ वे टू लोनावला। लोनावला यहाँ से 40 किलोमीटर है। रात भर गाड़ी चलाई है और नींद काफ़ी आ रही है, भूख भी बहुत तेज़ की लगी है। और यहाँ आगे ही शायद मैकडॉनल्ड्स या कुछ आएगा, फूड स्टेशन है, तो हम लोग बस वहीं खड़े रहेंगे, थोड़ा सा नाश्ता पानी और फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद और आगे जाना है। और नज़ारे बहुत बढ़िया है, ये देखिए। हम लोग अभी लोनावला से 30 किलोमीटर दूर है और एक फास्टैग टोल प्लाजा पे खड़े हुए हैं, क्योंकि हर बार का कुलदीप का कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। बारकोड निकाला है नहीं इस भाई ने, और पूरे जगह पे इसने डबल टोल टैक्स पे करके ही आया हुआ है। अब रात भर तो कोई हमें बंदा मिला नहीं जो हमें फास्टैग निकाल के देता, तो अभी एक सुबह सुबह बंदा मिल गया है, फास्टैग निकाल रहा है, और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, बिकॉज ये सबसे महंगा टोल प्लाजा है। अभी हम लोग इधर पहले ऐसे ही घुस गए थे तो उसने हमारे पास चार्ज कर रहा था 270 रुपये। हमने बोला भाई कोई बारकोड वाला हो तो दिखा दे, तो उसने बोला कि एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ है, आप वहाँ चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो बस फास्टैग निकाल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे। अभी नाश्ता वास्ता किया नहीं है, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, पहले थोड़ा नाश्ता करेंगे। कुलदीप लाइन में खड़ा हुआ है एंड वी आर एट द फूड कोर्ट। ये लोनावला जाते टाइम एक फेमस फूड कोर्ट है, वहीं हम लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ से कुछ अभी पास लेके हम लोग वड़ा पाव और मिसल पाव ले रहे हैं। तो यहाँ के हमने फेमस मिसल पाव लिए हैं, और ये इसको बोलते हैं भज्जी, कांदा भज्जी एंड द फेमस वड़ा पाव। ये हमारे गुजरात में इसको जनरली सेवसण कहते हैं, पर यहाँ इसको मिसल पाव कहते हैं। कुलदीप कैसा है, टेस्ट तो करो, टेस्ट करो कैसा है, एक बार टेस्ट करके देखो तो सही। कुलदीप को स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कैसा है, बढ़िया। चलो हम भी टेस्ट करते हैं, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। टेस्ट गुड, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका।
क्रिस्पी एंड थोड़ा स्वीट है, पर बहुत बढ़िया लग रहा है। मिसल पाव भी बहुत बढ़िया है। अगर लोनावला आ रहे हो और अगर ऐसे रोड के बीचों बीच अगर आप खड़े नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ऐसा व्यू कैप्चर करने के लिए आपको गाड़ी से उतरना ज़रूरी है। और नीचे बहुत गहरी गहरी खाई है, यहाँ से ठीक से व्यू नहीं आ रहा है, वरना आपको मैं दिखाता। नीचे बहुत गहरी खाई है, ये देखिए आपको अगर शायद दिख रहा हो तो, बहुत गहरी खाई है एंड द व्यू इज एक्सट्रीमली गुड। बहुत बढ़िया व्यू है। अब बारिश हल्की हल्की हो रही है, बूंदे हल्की हल्की ब्रिजल हो रही है, और यहाँ थोड़ा फोटो सेशन और वो सब चल रहा है। तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग लोनावला घाट, ये सारे घाट एरियाज है, और हमें यहाँ से आगे अभी पुणे जाना है। इट्स लाइक 70 किलोमीटर्स स्टिल फार अवे फ्रॉम लोनावला। रिटर्न में हम लोग लोनावला आने का सोच रहे हैं, पर राइट नाउ वी आर हैविंग सम वर्क एट पुणे, तो प्रायर हम लोग पुणे जा रहे हैं। इट्स लाइक 9:30 इन द मॉर्निंग और मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो रही है, और बस हम लोग ऐसे रास्तों का लुफ्त उठा रहे हैं। अभी नाश्ता खाया थोड़ी देर पहले, नाश्ता भी बहुत बढ़िया था। और ये देखिए अभी एक छोटी सी, छोटी तो नहीं, आई डोंट नो कितनी बड़ी टनल है, पर ये देखिए ऐसी बहुत सारी टनल्स आ रही है बीच में। ये ग्रेट भाई, लोनावला अगर आते हो तो मॉनसून सीजन में आना इज़ रिकमेंडेड, बहुत मज़ा आएगी। बिकॉज बहुत सारे अभी आपको झरने देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू, कितना प्यारा व्यू है। हर जगह फॉग ही फॉग है, एक्चुअली फॉग नहीं है, दिस आर लाइक क्लाउड्स। हम लोग बहुत हाइट पे हैं, तो ये क्लाउड्स है। आगे शायद दीपिका पादुकोण की गाड़ी जा रही है, मेरे को जहाँ तक पता है वो V220 यूज़ कर रही है। मैंने अभी एक इंस्टा की स्टोरी पे देखा था V220, और गाड़ी में बॉडीगार्ड्स भी बैठे हुए हैं, आई डोंट नो, पर ग्लासेस टिंटेड है तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। पर मुझे लगता है जहाँ तक वो दीपिका पादुकोण की ही गाड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट डाउन बिलो कमेंट में बताइए उनकी गाड़ी है कि नहीं, बिकॉज नंबर यहाँ से हमें दिख रहा है DD01A1011। मुझे जहाँ तक पता है ये उनकी गाड़ी है, पर एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज ग्लास आर टिंटेड और कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर से। होप सो वो दीपिका ही हो, हम लोग उनको फॉलो तो कर रहे हैं, लेट्स सी। इट्स हार्डली 40 किलोमीटर्स, हम लोग पुणे से बस 40 किलोमीटर दूर है, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और वेदर यहाँ बिल्कुल खुल चुका है, कोई बारिश नहीं है, एक्सट्रीमली गुड वेदर। और हमारा यहाँ छोटा सा काम है, 1.5 घंटे की मीटिंग है, वो ख़त्म करके हम लोग रिटर्न जाएंगे लोनावला। और हम लोग आज रात को लोनावला ही रुकने वाले हैं, और लोनावला में जो 2-3 अच्छी अच्छी जगह हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिकॉज जो हमारे साथ एक फ्रेंड आए हुए हैं मिस्टर ललित भाई, वो उन्होंने पहली बार लोनावला आ रहे हैं, तो उनको लोनावला दिखाना बनता है। बिकॉज मैं और कुलदीप तो बहुत बार आते रहते हैं। कुलदीप कैसा है, रुकने वाले हैं यहाँ? रुकने वाले हम लोग यहाँ, और उसके बाद लोनावला के बाद हम लोग मुंबई जाएंगे। तो पहले हम लोग एक यहाँ का छोटा सा काम ख़त्म करके, यहाँ पुणे में एक दो और भी काम है, लेट्स सी। मैं आपको अगर वो अगर सेट होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना जो हमारी 1.5 घंटे की मीटिंग है वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। उसके बाद मैं आपको जो 2-3 स्टोर्स में हम लोग जाने वाले हैं, बिकॉज आप जानते हो सुपर बाइक्स का जो सामान है वो पुणे में अच्छा मिलता है, और जो चाहिए वो मिल जाता है। तो अपने जैसे अभी हायाबुसा खरीदी है, तो उसके लिए थोड़े हम लोग को कुछ पार्ट्स, आई मीन एक्सेसरीज लेनी है, तो वो लेने के लिए हम लोग जाएंगे। तो लेट्स सी, अभी हम लोग वहाँ जाके मैं आपको अपडेट करता हूँ।
तो गाइज हम लोग हमारा जो छोटा सा एक काम था, एक छोटी सी मीटिंग थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग पुणे सिटी में थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे। और आपको शायद याद होगा, मैंने अपनी जो पुरानी F4i है वो मैंने थी, मेरे पास एक F4i थी, होंडा CBR 600 F4i, वो मैंने पुणे में बेची थी। तो वो फ्रेंड को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई हमको हमारी बाइक की कंडीशन देखनी है और मैं आपको दिखाता हूँ। राइट नाउ उसी तरह की कंडीशन है और साउंड ग्रेट, जस्ट वेट मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये रही हमारी होंडा CBR 600 F4i। प्रीवियसली आई वॉज़ यूजिंग दिस वन और मैंने इसको तकरीबन 6 महीने पहले पुणे में सैफ को बेच दी थी, तो ही इज़ द ओनर। और अभी कंडीशन वाइज थोड़ी इन्होंने रफ कर दी है, वरना मेरे पास थी तब इट वॉज़ लाइक वेरी वेरी गुड। पर इंजन इज़ ग्रेट, साउंड इज़ ग्रेट, बहुत बढ़िया साउंड है। स्टिल इसका साउंड वही है, इन्होंने एग्जॉस्ट नया डाल के रखा है, तो यू कैन सी साउंड्स ग्रेट राइट नाउ। अच्छा चौकी है ना, साउंड्स ग्रेट भाई। इधर बाजू में पुलिस चौकी है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा रेव करके नहीं बता पाऊँगा, पर राइट नाउ इट्स रियली क्लीन, बाइक इज़ क्लीन, बहुत बढ़िया रखी हुई है। और बस इसको एक बार देखने का मन था, देख लिया, मन को तसल्ली मिल गई कि बाइक अभी हमारे जिसको दी है उसने कंडीशन बिल्कुल बढ़िया रखी है।